Hello my dear students, from last video we start to discuss a new chapter, that is solid state of matter. In today's video we are going to discuss the classification of solid state of matter. In last video we discussed about the introductory part of solid state of matter, the definition of solid state of matter and the characteristics of solid state of matter. आज की इस वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी फर्स्ट पार्ट जो रहता है किसी भी चैप्टर का, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट रहता है. सम बेसिक थिंग्स जो है वो हम डिस्कस करते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस की. आज से जो मेजर पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करना जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर क्लासिफिकेशन से. तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, एक्चुअली सॉलिड्स जो है दीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. हाउ द पार्टिकल्स आर अरेंज, सो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड स्टेट कैन बी डिवाइडेड इन टू टू टाइप्स, और सॉलिड स्टेट कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स. The first type of solid state of matter is crystalline solids. Particles की orderly arrangement के हिसाब से हम solid state of matter को जो है वो यहां पर classify कर सकते हैं दो types में. तो पहला type है यहां पर, that is crystalline solid. So first type, that is crystalline solid. Its best example is NaCl or KCl. Another टाइप जो है सॉलिड का, दैट इज amorphous सॉलिड. सो सेकंड टाइप ऑफ सॉलिड, दैट इज amorphous सॉलिड. इट्स बेस्ट एग्जांपल इज तार, कोलता, ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा. सो इस टाइप के एग्जांपल जो है वो हम ले सकते हैं यहां पे amorphous सॉलिड्स में. यानी क्या, तो सॉलिड्स जो है या सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, इट गेट डिवाइडेड इंटू टू मेजर टाइप्स. दो मेजर टाइप्स में इनको जो है वो यहां पे हमने डिवाइड किया है. पहला टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अनदर टाइप ऑफ सॉलिड इज, दैट इज amorphous सॉलिड. किस बेसिस पे जो है वो हमने यहां पे डिवाइड किया, तो ये जो सॉलिड्स है इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनकी अरेंजमेंट कैसी है. ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड amorphous सॉलिड्स. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है ये क्या रहते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, साथ साथ amorphous सॉलिड जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एग्जांपल्स क्या है, ये हम सारा देखेंगे अब डिटेल में. सो फर्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड. सबसे पहले देखेंगे हम व्हाट इज मीन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होमोजेनस सॉलिड्स इन विच homogeneous solids in which particles, like ions, atoms or molecules, homogeneous solids in which particles like ions, atoms or molecules are arranged in a definite pattern. Homogeneous solids in which particles like ions, atoms or molecules are arranged in a definite pattern, in a fixed pattern. Such solids are known as crystalline solids. Example, previously we dekha hai, that is KCl, NaCl, metals particularly, mercury chhod ke. So, ye sare iske example jo hai hum le sakte hai yahan pe as a crystalline solids. So, simple si aisi yahan pe humne definition dekhi ki crystalline solids jo hai wo hum un solids ko kehte hai, उन होमोजिनस सॉलिड्स को कहते हैं. होमोजिनस ये वर्ड कहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या कि जो पार्टिकल इसमें प्रेजेंट रहेंगे वो सेम टाइप के पार्टिकल जो है वो यहाँ पे हम अरेंज करेंगे. सो अरेंजमेंट कैसे, एक्चुअली दे शो फिक्स पैटर्न, डेफिनेट पैटर्न, एक फिक्स अरेंजमेंट जो है वो पार्टिकल्स की अगर हमें किसी सॉलिड्स में दिखती है जिसमें वो पार्टिकल्स, वेदर वो एटम्स हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, तो वो अगर फिक्स पैटर्न में वहां पे अरेंज है तो ऐसे सॉलिड्स को हम यहां पे कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स.
देन अनदर टाइप दैट इज एमॉर्फस सॉलिड्स, इसकी हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, बाद में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिस्कस करेंगे. नाउ एमॉर्फस सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर नॉट डेफिनेटली अरेंज. एमॉर्फस सॉलिड्स जो है इसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जो है वो डेफिनेट नहीं है, फिक्स नहीं है. सो ऐसे सॉलिड्स को हम यहां पे कहेंगे एमॉर्फस सॉलिड्स. इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्लास, प्लास्टिक मटेरियल, रबर, कोलतार, इसका एग्जांपल जो है वो हम यहां पे ले सकते हैं एज ए एमॉर्फस सॉलिड्स. तो ऐसे सॉलिड्स है एमॉर्फस सॉलिड जिनको हम कह रहे हैं जिनके अंदर पार्टिकल्स के अरेंजमेंट कैसी है, स्कैटर्ड है, डिस्पर्स है, रेगुलर पैटर्न जो है वो हमें वहां पे नहीं दिखता, फिक्स पोजीशन जो है पार्टिकल्स की अगर हमें वहां पे नहीं दिख रही है रेगुलरली, तो उस टाइप के सॉलिड्स को जो है वो हम वहां पे कहेंगे एमॉर्फस सॉलिड्स. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. अब हम देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज, साथ साथ एमॉर्फस सॉलिड्स जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम यहां पे स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, वो है उसकी डेफिनेशन क्या है. तो इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर ऑर्डरली अरेंज. पार्टिकल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड लाइक आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल. इनके अरेंजमेंट हमें कैसे दिख रही है, तो एक फिक्स मैनर में अरेंजमेंट जो है वो वहां पे दिखती है पार्टिकल्स की और कॉन्स्टिट्यूएंट्स के इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ये हो गए फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी. सेकंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनिएगा. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर मेड अप फ्रॉम स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, दे आर नोन एज यूनिट्स. से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो बनते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप के पैटर्न से वहां पे बनते हैं, उनको कहते हैं यूनिट से. जो स्मॉल टाइनी वहां पे पार्टिकल है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, उसको हम यूनिट सेल कहेंगे. एंड दैट यूनिट सेल शो ए डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप एज वेल एज द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. वो यूनिट सेल जो है यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का, इट हैज डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप. एक पर्टिकुलर शेप जो है वो उसको रहता है, फिक्स शेप जो है वो वहां पे वो शो करता है. साथ साथ वो वही प्रॉपर्टी शो करता है जो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बिगर क्वांटिटी में वहां पे शो करता है. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, इंपार्टिंग मैक्सिमम स्टेबिलिटी. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स अरेंज रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट जो अरेंज है इन ए डेफिनेट मैनर, दे हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन देम, और उसी वजह से जो है वो वहां पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी भी जो है वो हमें वहां पे दिखेंगी इन केस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. तो पार्टिकल जो है उसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी दिख रही है किसके साथ, तो साथ साथ मैक्सिमम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. द फोर्सेस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मे इन्वॉल्व आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल फोर्सेस और द अदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लाइक लंदन फोर्सेस, ये हमें वहां पे जो है वो दिखते हैं. साथ साथ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमें क्या दिखता है, तो इट हैज लॉन्ग रेंज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स विच गेट रिपीटेड पीरियडिकली. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो डिफरेंट
फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो शो करते हैं जब हम उनको डिफरेंट डायरेक्शन से जो है वो स्टडी करेंगे या मेजरमेंट करेंगे. सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज अनआइसोट्रॉपिक. हेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर. व्हाट इज अनआइसोट्रॉपिक और अनदर प्रॉपर्टी दैट इज आइसोट्रॉपी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे. सो ध्यान में रखना है. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर. क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या ऐसे सॉलिड्स है जो डिफरेंट डायरेक्शन से अगर हम उनका स्टडी करेंगे तो दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. व्हेन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कट दे गेट कन्वर्टेड इनटू पीसेस. न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ. ये हमें वहां पे दिखता है जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम कट करते हैं तो वो कट होता है इनटू पीसेस. उसके नंबर ऑफ पीसेस में हम उसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, वहां पे कट कर सकते हैं. और जब कट करते हैं तो वो जो कट पोर्शन है वो स्मूथ हमें वहां पे नजर आता है, वहां पे प्लेन सरफेस जो है वो वहां पे हमें नजर आएगा. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो कैसे रहते हैं? तो शार्प रहते हैं. तो ये सारी प्रॉपर्टीज है यहां पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की. दैट इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. अब हम डिस्कस करेंगे अनदर टाइप ऑफ सॉलिड दैट इज अमॉर्फस सॉलिड्स. डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स. क्या प्रॉपर्टी जो है वो अमॉर्फस सॉलिड जो है वो यहां पे शो करता है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? तो जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स आर नॉट ऑर्डरली अरेंज. दैट मीन्स अमॉर्फस सॉलिड्स आर लुक लाइक ए सॉलिड बट दे डू नॉट हैव ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. हेंस दे आर नॉट ए रियल सॉलिड्स. हेंस दे आर नॉट ए रियल सॉलिड्स. देन ये जो अमॉर्फस सॉलिड्स है दे डू नॉट शो ए रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. देन ये जो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स इट इज ओनली फॉर शॉर्ट रेंज. द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक एटम्स और आयन्स और मॉलिक्यूल्स शो शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट. दैट मीन्स अमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट शो a repeated or orderly arrangement of particles for a longer range. They show this repeated arrangement of particles only for a shorter range. एक important property है ध्यान में रखना. जो crystalline solids में हमें कैसे दिखी थी तो longer range के लिए एक regular repeating pattern जो है वो वहां पर form हुआ था. So ऐसे solids को हमने कहा था crystalline solids. यहां पे ये शॉर्टर रेंज के लिए ही वहां पे एक रेगुलर पैटर्न जो है वो शो कर रहे हैं. लॉन्गर रेंज अगर देखना है तो वहां पे रेगुलर पैटर्न जो है वो हमें नहीं दिखता. एक स्कैटर्ड मैनर में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो दिखती है फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन और लॉन्गर रेंज. सो दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स. ऐसे सॉलिड्स को ही एक्चुअली हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स. Amorphous solids are also called as supercooled liquids. Amorphous solids को जो है वो हम supercooled liquids भी कहते हैं यहां पे. और शुरू में हमने देखा था कि they are not a real solid. That's why they also term as pseudo solids. यानी amorphous solids तो हम कह रहे हैं वहां पे, साथ साथ हम उनको कह सकते हैं supercooled liquids. और they are also term as pseudo solids. In case of amorphous solids, the physical properties do not change with direction. Amorphous solids में कोई direction जो है वो physical properties जो है वो change नहीं होते. जो change हो रहे थे crystalline solids में
सो वहां पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमने कहा था अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, यहां पे सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन एमॉर्फस सॉलिड्स जो है वो शो करते हैं, दैट्स व्हाई एमॉर्फस सॉलिड्स आर टर्म एज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिज्म जो है वो यहां पे एमॉर्फस सॉलिड्स जो है वो शो करते हैं। साथ साथ अनदर प्रॉपर्टी अगर देखेंगे एमॉर्फस सॉलिड्स की, तो क्या देखते हैं हमें कि एमॉर्फस सॉलिड्स जो है दे बिहेव लाइक ए फ्लूइड्स, वो फ्लूइड की तरह जो है वो बिहेव करते हैं, फ्लूइड्स है यानी फ्लोट होंगे। एमॉर्फस सॉलिड्स ऑल्सो फ्लोट बट दे फ्लोट वेरी स्लोली अंडर ग्रेविटी। नाउ द वेरी सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, दैट इज एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, क्योंकि इरेगुलर अरेंजमेंट जो है वहां पे दिखती है, या शॉर्ट रेंज के लिए ही वहां पे रिपीटिंग अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर पैटर्न में हमें दिखती है, इसीलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो शार्प नजर नहीं आते। ऐसी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। साथ साथ अगर हम एमॉर्फस सॉलिड्स को अगर कट करेंगे, अगर हमने एक एमॉर्फस सॉलिड लिया, फॉर एग्जाम्पल एक अगर हमने चॉक लिया और उस चॉक को अगर हमने कट करना चाहा, तो जब कट करेंगे तो दैट एमॉर्फस सॉलिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू पीसेस बट इन इरेगुलर मैनर। इरेगुलर पीसेस में वो कट होगा, चॉक का एग्जाम्पल लिया तो चॉक को कट करने के लिए जाएंगे तो वहां पे कुछ पीसेस जो है वो लाइक ए पाउडर फाइन पार्टिकल जो है वो हमें वहां पे मिल सकते हैं या मिलते हैं। यानी एमॉर्फस सॉलिड्स व्हेन कट इट गेट कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ पीसेस इन इरेगुलर मैनर। साथ साथ वो सर्फेसिस जो है उनके वो स्मूदर नहीं रहेंगे या प्लेन सर्फेस जो है वो हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि इरेगुलर मैनर में वो सर्फेस जो है वो हमें वहां पे मिलेगा जब एमॉर्फस सॉलिड्स को हम कट करेंगे। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। एक तरीके से हमने यहां पे क्या डिस्कस किया, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, पहला टाइप डिस्कस किया हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और सेकंड टाइप जो है वो डिस्कस किया दैट इज एमॉर्फस सॉलिड्स।